इसको भी ब्लांच करके और चॉप करके रखा है। ये भी आधा किलो पालक है रखा हुआ है, ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है, और आधा कप दही, आधा कप तेल है, दो टमाटरों का पेस्ट है, अदरक लहसुन, दो चमची अदरक लहसुन है, एक चम्मच बड़ा नमक है, इसमें दोनों में नमक नहीं डाला, ये आधी चमची हल्दी है, टेबल स्पून, ये एक बड़ा टेबल स्पून धनिया है, ये नॉर्मल वाली मिर्च है एक चमची, आधी चमची जो है ये टी स्पून मिर्चे है और आधी टी स्पून देगी मिर्च। चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम चूल्हे पे जला के बर्तन रख देंगे, बनाना शुरू करते हैं। ये आधा कप तेल है, इसमें डालेंगे, तेल गर्म हो जाने पर इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे और इसको एक मिनट तक भूनेंगे। ये एक मिनट भून गया, तो अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भूनना है ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह सब निकल जाए। गोश्त को भूनना बहुत जरूरी है। अब गोश्त को भूनते वक्त हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक इसी वक्त शामिल कर देंगे। दो मिनट गुजर चुके और ये बिल्कुल तैयार हो गए, खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। गोश्त देखें बिल्कुल नरम एकदम गल चुका है और थोड़ी सी ये चटनी जो है हरी मिर्च और लहसुन जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। आप भी जरूर बनाकर देखें। अल्लाह हाफिज़।